सैलरीड पर्सन हो तो आपके लिए एक अच्छी और एक बुरी दोनों खबर है। जी हाँ, अच्छी खबर आपकी टैक्स कॉस्ट को कम करेगी और बुरी खबर आपकी टैक्स कॉस्ट को बढ़ा सकती है। इनकम टैक्स ने अभी 26 जून को एक नया नोटिफिकेशन इश्यू किया है, 415 ई। उस नोटिफिकेशन में उन्होंने बात करी है कुछ एक एक्स्ट्रा एग्जम्पशन देने की और कुछ एग्जम्पशन हटाने की। तो आइए एक एक पे बात करते हैं कि क्या है वो एग्जम्पशन जो हमें एक्स्ट्रा मिलने वाली है और क्या है वो एग्जम्पशन और अलाउंसेस जो हमारी इनकम में इंक्लूड होने वाले हैं, जो पहले से थे उनको हटाया जा रहा है। आप सबको पता है फाइनेंस एक्ट जब 2020 आया तो एक सेक्शन आया, उसमें सेक्शन 115 BAC, उसमें आपको ऑप्शन दिया गया कि अगर आपको इनकम टैक्स की पुरानी स्लैब में रहना है तो आप पुरानी में रह सकते हो, अगर आप नई में जाना चाहते हो तो आप नई में जा सकते हो। तो आपने चूज़ कर लिया नई में जाना है। अब दिक्कत क्या आ रही थी, नई में जाने पे बहुत सारी एग्जम्पशंस जो दी हुई थी वो ये हटा रहे थे कि बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस थे जिनकी एग्जम्पशन थी कि अगर हमें वो पैसे मिल रहे हैं तो वो हमारे टैक्सेबल नहीं होंगे, उसकी हमें एग्जम्पशन मिल जाएगी सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 में। लेकिन अगर हम ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते हैं 115 BAC सबसेक्शन 5 में, तो हमें वो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी जो कि लिखी हुई थी सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 2 में। उसमें से कुछ एक एग्जम्पशन ऐसी थी जो हम ऑफिशियल पर्पज़ के लिए कर रहे थे, वो पैसा हमें मिल रहा था, वो अलाउंसेस हमें मिल रहे थे ऑफिशियल पर्पज़ के लिए। तो सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि भाई अगर कोई चीज़ मुझे ऑफिशियल पर्पज़ के लिए मिल रही है, ऑफिस का काम करने के लिए मुझे वो चीज़ मिल रही है, तो उस पर आप इनकम टैक्स क्यों ले रहे हो। तो उसी को क्लियर करते हुए ये नोटिफिकेशन आया है। तो बात करते हैं वो कौन कौन सी एग्जेम्पशन थी, कौन कौन से अलाउंसेस थे जिनके एग्जेम्पशन पहले अवेलेबल थे, जब 115 BAC लेके आए तब अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब ये जो नोटिफिकेशन लेके आ गए उसमें उन्होंने अवेलेबल कर दिया कि अगर आप 115 BAC में नई स्कीम में जा रहे हो तो भी हम आपको उन अलाउंसेस की एग्जेम्पशन दे देंगे। तो वो कौन कौन से डियर फ्रेंड्स, वो बताए गए हैं रूल 2BB में। रूल 2BB बात करता है जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 में अलाउंसेस दिए गए हैं उनकी बात करता है कि हमने रूल 2BB में प्रेस्क्राइब कर दिए हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 के अलाउंसेस। सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 में दो तरह के अलाउंसेस हैं, एक है ऑफिशियल पर्पज़ के लिए जो आपको पैसे मिले वो, दूसरे हैं आपके पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए। पर्सनल एक्सपेंडिचर वाले इन्होंने स्पेसिफिकली प्रेस्क्राइब करे रूल 2BB के सबसेक्शन 2 में। फॉर एग्जाम्पल आपके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, अगर आप दिव्यांग हो तो उससे रिलेटेड 3200 रुपये पर मंथ का अलाउंस, अगर उसके अलावा आप फॉर एग्जांपल ट्राइबल एरिया में हो तो उसके लिए अलाउंसेस दिए गए हैं, अगर आप बॉर्डर एरिया में हो तो उसके लिए अलाउंसेस दिए गए हैं। ऐसे काफ़ी सारे अलाउंसेस दिए गए थे जो आपके पर्सनल एक्सपेंस के लिए आपको मिलते थे और उसका आपको इनकम टैक्स में छूट मिल जाती थी, उन पर इनकम टैक्स नहीं लिया जाता था। तो अगर आप 115 BAC ऑप्ट कर रहे हो तो आपको उन पर इनकम टैक्स अभी भी देना पड़ेगा। इस नोटिफिकेशन में आपके लिए उन पर्सनल एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, एक्सेप्ट अगर आप दिव्यांग हो तो। अगर आप दिव्यांग हो उस केस में रूल 2BB के सब रूल 2 में टेबल नंबर 11 जो है उसमें दिया गया कि आपको आपके घर से लेके ऑफिस तक जाने का और ऑफिस से घर पे वापस आने के अगर पैसे मिलते हैं, अगर अलाउंसेस मिलते हैं, तो हम 3200 रुपये पर मंथ तक आपकी इनकम में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। लेट सपोज अगर आप दिव्यांग हो, आपको 5000 रुपये मिल रहे हैं घर से ऑफिस, ऑफिस से घर तक आने के ट्रांसपोर्टेशन के, तो हम आपकी इनकम में केवल 1800 रुपये इंक्लूड करेंगे, 3200 रुपये इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये अच्छी खबर है उन SCCs के लिए जो दिव्यांग हैं, उनको 3200 रुपये पर मंथ तक इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो कि 115 BAC जब शुरू में आया था फाइनेंस एक्ट में तब लग रहा था कि उनको उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब बात करते हैं उन SCCs की जो दिव्यांग नहीं है, जो नॉर्मल SCCs है, उन केस में क्या होगा। उन केस में ये था कि रूल 2BB में सब रूल 1 में 3 ऐसे खर्चे थे A, B और C जो आपके टोटली ऑफिशियल खर्चे थे, उनका आपको एग्जम्पशन नहीं मिल रही थी। अगर आपको उनके पैसे मिल रहे हैं तो वो भी आपको टैक्सेबल हो रहे थे अगर आप नई स्कीम में जा रहे हो तो। ऑब्वियस सी बात है, ये हर किसी के लिए एक टेंशन वाली बात होगी कि भाई ये खर्चा मुझे ऑफिस पर्पज़ के लिए मिल रहा है तो इस पर क्यों टैक्स ले रहे हो आप। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने आपको आउट ऑफ सिटी किसी टूर पर भेजा तो जो ट्रेवलिंग चार्जेस थे उसके आपको कंपनी ने पैसे दिए। 115 BAC अगर आप ऑप्ट करते हो तो कंपनी ने लेट सपोज आपको दिया, आप जा रहे हो जयपुर से दिल्ली, आपको कंपनी ने दिए 3000 रुपये का अलाउंस दिया, तो
तो वो 3,000 रुपये 115 BAC में अगर आप नया ऑप्शन चूज़ कर रहे हो इनकम टैक्स का, तो आपको 3,000 रुपये पर इनकम टैक्स देना था। लेकिन अब इस नोटिफिकेशन से इन्होंने बोला कि अगर ऐसा कोई अलाउंस आपको मिल रहा है ऑफिशियल पर्पज़ से टूर पे जाने का, तो हम उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे। एक तो ये हुई आपके लिए अच्छी खबर। दूसरी खबर, उस जर्नी के दौरान, उस टूर के दौरान, लेट सपोज आप दिल्ली में 3 दिन रहे 4 दिन रहे, अगर आपका वहाँ कोई खर्चा होता है होटल अकोमोडेशन, वहाँ पे आपका कन्वेंस, लोकल कन्वेंस का खर्चा, अगर ऐसे कोई आपके खर्चे हो रहे हैं वहाँ पे, डेली चार्जेस जो हो रहे हैं, उस पे भी हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, उसकी एग्जेम्पशन हम आपको दे देंगे, जो कि शुरू में नहीं थी। जब फाइनेंस एक्ट 2020 में इन्होंने अनाउंस किया था कि आपको नई स्कीम में जाओगे तो इन सब पे भी टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा लग रहा था, लेकिन अब उन्होंने क्लियर कर दिया है अगर आप टूर पे जा रहे हो तो टूर के जो भी खर्चे हैं आपके, उसका जो अलाउंस आपको मिल रहा है, उस पे किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, उसको आपकी इनकम में, सैलरी इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर एक और खर्चा इन्होंने बोला, एक खर्चा बोला कि अगर आप ऑफिशियल पर्पज़ के लिए ड्यूरिंग द सिटी, वहीं पर अगर आपका कोई कन्वेंस कॉस्ट इंकर्ड हो रही है और आपके जैसे खुद की मोटर बाइक है या मोटर व्हीकल है, उसके कन्वेंस चार्जेस अगर आपको मिल रहे हैं, कोई अलाउंस आपको मिल रहा है उसके लिए, तो उस पर किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, उसको आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आप सबके लिए अच्छी खबर कि ऐसे अगर आपके खर्चे हो रहे हैं तो 115 BAC में नई स्कीम ऑप्ट करने की वजह से उन पर टैक्स लग रहा था, बट अब आप पे उनका टैक्स नहीं लगेगा, उन सबको सैलरी के इनकम में ही इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी भी इसमें एक ऐसा खर्चा रह रहा है यूनिफॉर्म का, अगर आपको यूनिफॉर्म पे खर्चा हो रहा है कि आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको यही यूनिफॉर्म खरीद के लानी है, यही यूनिफॉर्म पहननी है, उसका आपको कोई अलाउंस मिल रहा है, तो अभी भी वो आपकी सैलरी इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए था, इसको भी, इसकी भी इनको एक एडिशनल एग्जेम्पशन देनी चाहिए थी। तो यहाँ तक तो थी आपके लिए अच्छी खबर। अब बात करते हैं क्या है बुरी खबर जो आपकी इनकम टैक्स कॉस्ट बढ़ा सकती है। दोस्तों आप सबको पता होगा इनकम टैक्स में एक रूल है, रूल 3, वो बात करता है जो सेक्शन 17 में बहुत से परकेसिट्स दिए जाते हैं, जैसे आपको फ्री कंसेशनल रेट पे इंटरेस्ट दिया गया, आपको मोटर व्हीकल दी गई यूज़ करने के लिए, आपको हाउस रेंट अलाउंसेस दिया गया, तो इन सब परक्यूसिट्स की वो बात करता है, साथ में आपको फूड दिया गया है, इन सब परक्यूसिट्स की बात करता है रूल और सेक्शन 17, और रूल 3 बात करता है इन परक्यूसिट्स की वैल्यू निकालने की, कि भाई अगर आपको मोटर व्हीकल दी जा रही है तो उसके बेनिफिट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, अगर आपको इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल रेट पे लोन दिया जा रहा है उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, अगर आपको फूड दिया जा रहा है उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ये सब बातें करता है। तो उस रूल में, इस रूल 3 में एक सब रूल है 7, उस सब रूल 7 में एक क्लोज है 3, वो बात करता है फूड एंड बेवरेजेस की। अगर आपको फूड एंड बेवरेजेस दिया जा रहा है, तो पहले उन्होंने बोला कि अगर एम्प्लॉयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फूड एंड बेवरेजेस दे रहा है तो उसकी कॉस्ट को आपकी सैलरी इनकम में इंक्लूड कर लेंगे, अगर आपने कुछ पेमेंट किया है उस पेमेंट को डिडक्ट करके आपकी सैलरी में इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन नीचे इन्होंने एक एग्जेम्पशन दी, एक प्रोविजन डाल के, कि अगर वो फूड आपको ऑफिस आवर्स में दिया जा रहा है तो इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा, अगर वो फूड आपको, फूड के बजाय आपको वाउचर्स दिए जा रहे हैं कि भैया ये वाउचर्स आप कहीं भी जाके बाहर यूज कर सकते हो, तो 50 रुपये पर मील तक आपसे उन पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, आपको सैलरी इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा 50 रुपये पर मील तक। अब बुरी खबर क्या आई है, इसी रूल में जो रूल 3 है, इसका सब रूल 7 है जिसका क्लोज 3 है, इस क्लोज 3 में जो भी मैंने आपको 50 रुपये वाला प्रोविजो बताया, इस प्रोविजो के नीचे इन्होंने एक और प्रोविजो इंसर्ट कर दिया और बोला कि अगर आप 115 BAC, सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 5 बात करता है नई स्कीम ऑप्ट करने की, अगर उसमें आप नई स्कीम ऑप्ट कर रहे हो, अगर आप इनकम टैक्स की नई स्कीम ऑप्ट कर रहे हो, तो आपको ये जो फूड से रिलेटेड 50 रुपये की जो आपको दी गई है एग्जम्पशन, वो एग्जम्पशन आपको नहीं मिलने वाली है। अब वो वाउचर का अमाउंट, पूरा अमाउंट आपकी सैलरी इनकम में इंक्लूड होगा और आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप नई स्कीम में जा रहे हो तो। अगर आप नई स्कीम में नहीं जाते हो तो अब तक जो चलता आया है वो वैसे ही चलता रहेगा, किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं आने वाली है हम सबको। साथ में इसमें ये भी डाउट का पॉइंट है कि उसमें जो ऑफिस आवर्स में आपको फूड दिया जाता था वो भी एग्जम्पशन दे रहा था वो प्रोविजो, अब इन्होंने बोला है कि उसकी भी एग्जम्पशन नहीं है, तो अब वो वैल्यू कैसे निकाली जाएगी हर एम्प्लॉई पे, ये थोड़ा सा हो सकता है ट्रिकी चीज़ हो। लेट्स सी, अगर इस पर कोई क्लेरिफिकेशन आती है
तो अगर ऐसी कोई क्लेरिफिकेशन आएगी तो हम लोग अब तक जरूर पहुंचेंगे वो वीडियो उस पर बना के, बट अभी तक के लिए ये मेरे हिसाब से आपके लिए ये एक सुखद भरी, एक थोड़ी सी रिलैक्सिंग खबर होनी चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्सिंग नोटिफिकेशन होना चाहिए कि एटलीस्ट वो खर्चे जो मैं ऑफिस के लिए कर रहा हूँ, भाई चलो ठीक है फूड वाले को आप इंक्लूड भी कर रहे हो तो ठीक है, मैं अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे फूड नहीं देता तो मुझे खुद से खर्च करना ही पड़ता, वो वहाँ तक अगर आपको एग्जेम्पशन नहीं भी मिलती है तो चीज़ समझ में आती है कि ठीक है वो मेरा पर्सनल एक्सपेंडिचर था, अगर उसकी एग्जेम्पशन नहीं भी मिल रही है तो नॉट ए बिग डील, क्योंकि वो खर्चा तो मेरा होना ही होना था वैसे भी। लेकिन अगर जो टूर एंड ट्रेवल के थे, कन्वेंस के एक्सपेंसेस थे, मैं टूर एंड ट्रेवल पे जब था वहाँ मेरे जो होटल वगैरह के खर्चे हुए, खाने पीने के खर्चे हुए, भाई वो मेरे से क्यों ले रहे हो आप होटल के खर्चे, उसको मेरी सैलरी इनकम में इंक्लूड क्यों कर रहे हो? तो उसको सैलरी इनकम से बाहर निकाल के आपको एक तरह से तोहफा दिया है, आपकी इससे टैक्स कॉस्ट डेफिनेटली कम होने वाली है। तो इस बार ITR भरते टाइम, इस बार से मतलब जब नेक्स्ट ईयर आप ITR भरोगे 1 अप्रैल 2021 के बाद, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि मुझे कैसे कैसे इनकम टैक्स में कौन कौन सी एग्जेम्पशन लेनी है, कौन कौन सी एग्जेम्पशन नहीं लेनी है। 115 BAC सबसेक्शन 2 में सारी एग्जेम्पशन दी हुई है, उन एग्जेम्पशन में से ये जो मैंने अभी आपसे 3 बात करी, रूल 2BB, सब रूल 1 की ABC कि अगर आप टूर पे गए हो तो, उसके अलावा टूर के दौरान जो आपके खर्चे हुए वो, तीसरा आपके कन्वेंस के खर्चे हुए वो, और अगर आप विकलांग हो, दिव्यांग हो आप, तो जो टेबल नंबर 11 का पॉइंट है सब रूल 2 में दी गई है 2BB के में, 3200 रुपये पर मंथ का आपके घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक आने का जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज था उसकी एग्जेम्पशन अब आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आज का ये वीडियो यहीं साइन ऑफ करता हूँ, मिलते किसी अगली वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, किसी नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।